क्रिश्चियंस के हैं लॉर्ड जीसस, मुसलमानों के हैं पैगंबर मुहम्मद, और पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों के पूजनीय हैं भगवान बुद्ध। लेकिन उनका जीवन रहस्यों से घिरा रहा। बुद्ध ने कहा था, अतीत को भुला दो, भविष्य को भी जाने दो। लेकिन रॉबिन कनिंगम उनके इन शब्दों के मुताबिक जीने को तैयार नहीं। रॉबिन डरहम यूनिवर्सिटी में आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। नमस्ते नमस्ते। और उनका पैशन है अतीत से जुड़े रहना। वो साउथ एशिया की आर्कियोलॉजी के बेहतरीन एक्सपर्ट्स में से एक हैं और बुद्ध के जीवन को लेकर अच्छे खासे इंटरेस्टेड हैं। बौद्ध धर्म का इतिहास इस देश के साथ बहुत ही करीब से जुड़ा है, जिसे आज हम नेपाल कहते हैं, क्योंकि नेपाल में ही बुद्ध का यानी कि राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। बौद्ध परंपराओं के मुताबिक रानी माया देवी ने 2000 साल से भी पहले नेपाल में एक पेड़ के नीचे अपने बेटे सिद्धार्थ को जन्म दिया था। माया देवी का मंदिर यहाँ लुम्बिनी नामक शहर में है, जिसका नाम बुद्ध की मां के नाम पर ही रखा गया है। मंदिर के बीच में रखा ये पत्थर इस बात की निशानी है कि यहीं राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। रॉबिन और उनकी टीम के पास इस पवित्र जगह पर खुदाई करके ये साबित करने का एक ही मौका है कि यहीं पर बुद्ध का जन्म हुआ था। इनकी खुदाई पूरी होने के बाद शायद ऐसी इजाजत किसी दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट को दसियों साल बाद ही मिल पाए। अगर ये कामयाब रहे तो ये आज के दौर के एक बहुत बड़े धार्मिक रहस्य को सुलझा पाएंगे। अगर नाकाम हुए तो जवाब ढूंढने की उनकी ये कोशिश आखिरी साबित होगी। जिस अपॉर्चुनिटी के तहत मैं यहाँ आया हूँ, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैं पहुंच पाऊं उस इकलौते लेवल तक जिससे बुद्ध को जोड़ा जाता है, क्योंकि उनसे जुड़ी चीजें या तो खो गई, या तो बर्बाद हो गई, या फिर उन्हीं मंदिरों में दफन हो गई। पूरे एशिया में बुद्ध के जीवन के साथ जुड़ी सभी साइट्स ऐसी हैं जहां पहुंचा नहीं जा सकता या उन्हें लूटकर बर्बाद कर दिया गया है। लेकिन लुम्बिनी की साइट एक रेयर अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करती है। ये एक प्रिजर्व्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट्स को इस तरह का मौका अपने करियर में एक आध बार ही मिलता है। इतनी हिस्टोरिक और रिलीजियस इम्पोर्टेंस वाली साइट्स तक जाने की इजाजत शायद ही दी जाती हो। हमारे पास बस एक और बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि हम खुदाई करके उन लेवल्स को उजागर करें जो बुद्ध के जीवन काल से जुड़े हुए हैं। रॉबिन अपनी टीम को लेकर यहाँ लुम्बिनी आए हैं, जहाँ उन्हें अपनी कमाल की खोज को पूरा करने के लिए कुछ हफ्ते ही दिए गए हैं। उन्हें इस बात से जुड़ा साइंटिफिक एविडेंस ढूंढना है कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था। लुम्बिनी की इस प्रोटेक्टेड साइट में बहुत सारे रिलीजियस रेलिक्स और स्ट्रक्चर्स हैं। इनमें माया देवी टेम्पल भी है। माना जाता है कि बुद्ध का जन्म यही हुआ था। 1980s में यहाँ हुई खुदाई से इस स्ट्रक्चर के अंदर पहले से मौजूद मंदिरों के सबूत मिले। अब रॉबिन और उनकी टीम और आगे खुदाई करने की तैयारी में है, और ये लोग जोश से भरपूर हैं। लुम्बिनी में इस जगह पर हमें शायद उन लेवल्स को छूने का इकलौता मौका मिल रहा है जहां बुद्ध का जन्म हुआ था, जहां वो रहे थे। इसीलिए हम शायद बौद्ध धर्म की सबसे पहले की प्रैक्टिसेस में से कुछ को सबके सामने ला सके। ज्यादातर आर्कियोलॉजिकल साइट्स के उलट लुम्बिनी एक लिविंग ब्रीदिंग प्लेस है। अपनी मृत्यु से ठीक पहले बुद्ध ने कहा था कि ये जगह पिलग्रिम्स के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाएगी, और 1000 साल से भी अधिक समय से पूरे एशिया से श्रद्धालु दुनिया की इस बेहद पवित्र जगह पर आते रहे हैं। वो यहाँ आते हैं अपने स्पिरिचुअल सवालों के जवाब पाने। लेकिन रॉबिन जो जवाब ढूंढ रहे हैं वो स्पिरिचुअल नहीं बल्कि साइंटिफिक है। बुद्धिज्म दुनिया के सबसे महान धर्मों में से एक है, लेकिन दुनिया के बहुत से धर्मों की शुरुआत की तरह ही हमें इसकी इनिशियल सेंचुरीज या शुरुआती बरसों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये करियर को बदल कर रख देने वाला मौका है।
गिने चुने आर्कियोलॉजिस्ट्स को ही यहाँ खुदाई की इजाजत मिल पाई है, लेकिन इनके पास समय कम और कीमती है। ऑफिशियल्स ने इन्हें एक पूरे मिलेनिया को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए एक महीने से भी कम का समय दिया है। हमें इस काम के लिए मिली अपॉर्चुनिटी शायद इकलौती अपॉर्चुनिटी है, और हमारे बाद की जेनरेशन को शायद ये मौका ना मिले। रॉबिन और उनकी टीम जो भी आर्टिफैक्ट ढूंढेगी, वो ये तय करने में एक अहम सुराग की भूमिका निभाएगा कि बुद्धिज्म की शुरुआती प्रैक्टिसेस कैसी थीं, और इससे ये बड़ा राज भी सुलझेगा कि बुद्ध का जीवन काल आखिर कब का था। अगर इनकी खोज बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक्सेप्टेड डेट से अलग निकलती है, तो उनसे इतिहास की किताबें दोबारा लिखने में मदद मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि हम उस सो कॉल्ड लोकलाइज्ड कल्ट की कुछ शुरुआती स्टेजेस पर रोशनी डालने में कामयाब हो पाएंगे, जो कि रूप बदल कर पहले इंडिया में और फिर पूरे एशिया में फैल गया। इस धर्म को आज हम बुद्धिज्म के नाम से जानते हैं। पहला दिन और आज ही इनके हाथ कीमती जानकारी लग गई। टीम जब सेक्रेट ग्राउंड के कोने पर खुदाई कर रही थी, तो उनके हाथ सही सलामत पॉट लग गया। हम ट्रेंच में मौजूद इस पॉट को केयरफुली बाहर निकालेंगे। ये तकरीबन इतना बड़ा है इस साइज का। इसमें मिट्टी भरी हुई है और बाहर भी चारों तरफ मिट्टी और कीचड़ है, और इसे बिना तोड़े बाहर निकालने का बेस्ट तरीका यही होगा कि इसके नीचे एक रैंप लगाया जाए और हम इसे पूरा का पूरा ऐसे ही उठा लेंगे और बाकी काम लैब में होगा। ये पीस तो वाकई बहुत स्पेशल है। लोकल्स तो ये मान रहे हैं कि शायद इसमें कुछ कीमती चीजें होंगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। हम इस पॉट को चारों तरफ से लकड़ी से सपोर्ट देंगे और फिर इसे धीरे धीरे नीचे से काटेंगे और फिर नीचे वुडन सपोर्ट देंगे ताकि ऊपर उठाते वक्त ये लकड़ी के बोर्ड पर टिका हो। असली दिक्कत होगी इसे ट्रेंच से बाहर निकालने में, क्योंकि ये बहुत ही भारी होगा और हमारे पास बस एक छोटी सी सीढ़ी है। रॉबिन जरा सुनिए। हाँ, नीचे आइए। आता हूँ। मुझे लगता है कि अब हमें इसे कवर कर देना चाहिए। कॉश, क्या वो प्लास्टिक बैग दोगे प्लीज? ओ, अरे ये तो बहुत ही लंबा है, जरूरत से ज्यादा, लेकिन हम इससे कवर कर ही देंगे। टाइट करके लपेटो। ये आर्टिफैक्ट जमीन में 1000 साल से भी ज्यादा समय से दबा हुआ था। हाँ बंद, हम सिर्फ पॉट को ही प्रिजर्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम मिट्टी को भी सेफ रखेंगे। नो, इम्पॉसिबल। ये भारी भरकम पॉट एक नई चुनौती पैदा कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि इसके आसपास की काफी मिट्टी हटाने के बावजूद भी ये बहुत ज्यादा भारी है। देखो अपने हाथ बचाना। हमें एक बात परेशान कर रही है और वो ये है कि इसके और इसको उठाने वाले के वजन से ये सीढ़ी धस न जाए। Okay. इसे उठाते, ध्यान से उठाना। आराम से। हाँ, आराम से। ठीक है, उठा इसे। बढ़िया बढ़िया, ऐसे ही। हाँ, आराम से। एक्सीलेंट। अभी तक टूटा नहीं है। गुड। हाँ, ठीक लग रहा है। रिम ठीक है, साइड्स ठीक है। बढ़िया बढ़िया। रॉबिन के लिए ये चीज बुद्धिज्म के शुरुआती बरसों में लुम्बिनी की एक तस्वीर बनाने में मदद करेगी और इस सिलसिले में अहम सुराग मुहैया कराएगी कि एक होली साइट के तौर पर ये एरिया कैसे इवॉल्व हुआ। यहाँ माया देवी के मंदिर के नजदीक, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ, बताया जाता है एक पिलर है। इसकी ऊंचाई 9 मीटर है और 2000 साल से भी पहले इसे लुम्बिनी की अहमियत दर्शाने के लिए बनाया गया था। ये बुद्ध का एक मॉन्यूमेंट है। इसे उनके एक शुरुआती फॉलोअर ने बनवाया था, जो इतिहास में मौजूद एक बेहद ताकतवर राजा था। आक्रामक राजा अशोक ने अपने रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को खत्म कर डाला। उन्होंने एक ही लड़ाई में 1,00,000 सैनिकों को कत्ल करने की योजना बनाई थी। वो बेरहमी से सिर्फ एक ही मकसद से युद्ध करते थे और इस बेरहमी के बल पर उन्होंने अपने साम्राज्य को उस दौर का सबसे बड़ा साम्राज्य बना डाला। लेकिन शांति का संदेश देने वाले इस महान धर्म का प्रचार प्रसार एक बेरहम राजा अशोक से कैसे जुड़ा हो सकता है? लगता है अशोक बौद्ध धर्म को फॉर्मली फैलाने वाले शुरुआती लोगों में से एक थे। उन्होंने बुद्ध और बुद्ध के मैसेजेस के साथ अपनी ताकत और अथॉरिटी को जोड़ दिया था। माया देवी टेंपल के अंदर अशोक ने उस जगह पर ईंटों से एक मंदिर बनवाया, जहां उनके अनुसार बुद्ध का जन्म हुआ था।
लेकिन ये दोनों ही मॉन्यूमेंट्स बुद्ध के अनुमानित जीवन काल के कई सदी बाद बनवाए गए थे। रॉबिन को उम्मीद है कि उन्हें यहाँ अशोक के दौर से पहले वाले आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल जाएंगे। अगर ये इस जगह पर सबसे पुराने मंदिर को खोजकर उसे कामयाबी से डेट कर पाए तो उन्हें पता चल पाएगा कि बुद्ध का जीवन काल कब का था, और ये एक कमाल की रिलीजियस और आर्कियोलॉजिकल खोज होगी। एक ट्रेंच खास तौर पर अभी से ही क्लूज प्रोवाइड कराने लगी है। सबसे दिलचस्प ट्रेंच है ये वाली C5। जरा रुकिए, मैं एक फोटो ले लेता हूँ। तो हम सबसे पहले मंदिर के बिल्कुल बीच में एक ट्रेंच खोदने वाले हैं। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि हमें उसमें क्या मिल सकता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि मंदिर के बीच वाला हिस्सा यहाँ की अहम जगहों में से एक हो सकता है। देखिए, ये यहाँ मौजूद सबसे पुराने स्क्वायर ब्लॉक्स में से एक है, और मुझे लगता है कि इसकी काफी अहमियत है और ये काफी यूनिक है। हमें ये पता चला है कि तीसरी सदी ईसा पूर्व में अशोक द्वारा बनाए गए इस मंदिर के नीचे एक और पुराना मंदिर भी मौजूद है। और वो मंदिर आर्किटेक्चर के नजरिए से बहुत ही यूनिक है। हम बहुत ही ध्यान से खुदाई करके और साइंटिफिक एनालिसिस के जरिए उस मंदिर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक के दौर से पहले वाली रिलीजियस बिल्डिंग्स बुद्ध के जीवन से जुड़े रहस्य सुलझाने में एक अहम सुराग मुहैया करा सकती हैं। लेकिन रॉबिन आखिर ढूंढ क्या रहे हैं? इस बारे में बेहतर आइडिया पाने के लिए वो पास के एक गांव में जाते हैं, लेकिन नेपाल के देहाती इलाके में सफर करने के लिए शायद बुद्धिस्ट जैसा ही पेशेंस चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं सफर अच्छा हो। इस बात ने इस जगह को और एक्साइटिंग बना दिया जहां हम जा रहे हैं। तिलोरा कोट लुम्बिनी से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है। दुनिया के इस हिस्से में कुछ गांवों की जीवन शैली आज भी वैसी ही है जैसी 2000 साल पहले थी। यहां तक कि कंस्ट्रक्शन के तरीके भी नहीं बदले। यहां रॉबिन को ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने का मौका मिल पाएगा जो काफी कुछ वैसे ही हैं जिन्हें वो लुम्बिनी में खोद निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिलहाल आया हूँ इस डारीहावा गाँव में, और मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस इलाके में ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर किस तरह से बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर हमें ये समझना है कि बुद्ध के समय में मकान कैसे बनते थे, क्या चीजें उन्हें बनाने में इस्तेमाल होती थी, तो हमें वो चीजें देखनी होगी जो यहाँ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लकड़ी यूज करते हैं, ये लोग मिट्टी और आसपास की घास को भी इस्तेमाल करते हैं। यानी आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में जब हम खुदाई करेंगे तो हमें सिर्फ मकानों की नींवें ही मिलने वाली हैं। देखिए, यहाँ इस तरह से मकान बनाए जाते हैं। यहाँ इस तरह से एक पोल लगाया जाता है जो जमीन के अंदर गड़ा होता है। फिलहाल ये पोल गल चुका है जिसे सपोर्ट के लिए लगाया गया था, और जब ये बिल्डिंग ढह जाएगी तो उसके बाद भी ये पोस्ट होल्स बचे रहेंगे जिससे पता चलेगा कि ये खंबे कहाँ पर गड़े हुए थे। अगर रॉबिन को लुम्बिनी में पोस्ट होल्स के सबूत मिल जाते हैं तो उनसे इस एंशिएंट साइट के लेआउट को फिर से जिंदा करने में कामयाबी मिल जाएगी, और उन्हें पता चल जाएगा कि कहाँ सबसे पुरानी बसावट मौजूद थी। इस जमीन में भी क्लूज मौजूद है जिनसे खुदाई के दौरान रॉबिन को मदद मिल सकती है। हम फिलहाल एक घर के अंदर हैं। ये बहुत ही ट्रेडिशनल घर है, और इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि बुद्ध के दौरान घरों का अंदरूनी हिस्सा आखिर कैसा हुआ करता था। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में आप ये बड़े बड़े पोल्स देख सकते हैं, और इस घर का फर्श बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। इसे यहाँ की मिट्टी में गाय के गोबर को मिला के बनाया गया है। इन दोनों चीजों को आपस में मिलाकर इससे फर्श को लीपा जाता है। इससे इसका सरफेस बहुत ही स्मूथ बन जाता है जिसे साफ करना आसान होता है। अगर ये गंदा हो जाए या उखड़ने लगे तो इस पर एक और लेयर चढ़ा दी जाती है। तो इस तरह से घरों के अंदर फर्श की कई लेयर्स मौजूद हो सकती हैं। पोस्ट होल्स और दीवारों को सपोर्ट करने वाले इन स्टेक्स की ट्रेंचेस से ये पता चलता है कि हम किसी बिल्डिंग के अंदर ही मौजूद हैं, ना कि उस बिल्डिंग के बाहर की ओर। अगर रॉबिन और उनकी टीम को लुम्बिनी की डिग साइट के आसपास ऐसी ही इमारतें मिल जाती हैं, तो ये इस साइट के हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस को तय करने में एक अहम सुराग साबित होगी।
शायद इन्होंने हजारों साल पहले यहाँ मंक्स और पिलग्रिम्स को शेल्टर। आज भी बुद्धिस्ट्स यहाँ दूर दूर से भी पहुँचते हैं। बहुत से लोगों को लुम्बिनी की तीर्थ यात्रा करने का बस एक ही मौका मिलता है और उनके लिए इस मौके की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ऐसे कुछ तीर्थयात्री हिमालय के ऊपरी इलाके किंगडम ऑफ मुस्टैंग से पैदल आते हैं और कुछ आते हैं इंडिया से। इनमें से कुछ लोग तो 2.5 महीने तक पैदल चलने के बाद यहाँ पहुँच पाते हैं और यहाँ पहुँचने पर वो कई दिन बिताते हैं। इस दौरान वो यहाँ प्रार्थना करते हैं और वो मंदिर की परिक्रमा करते हैं, मंदिर के अंदर पूजा अर्चना भी करते हैं। वो यहाँ 5 खास जगहों पर जाते हैं। वो अशोकन पिलर पर जाते हैं, उनकी दूसरी जगह होती है माया देवी टेम्पल और मार्क स्टोन। खंडहर सी दिखने वाली इस जगह को वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनका मानना है कि यहीं पर बुद्ध का जन्म हुआ था। इस सीक्रेट जगह पर अक्सर लोगों को रोते हुए भी देखा जा सकता है। इसके बाहर बौद्ध परंपरा के मुताबिक बना 7 सीढ़ियों वाला एक शाक्य टैंक है जो ठीक मेरे सामने है। माना जाता है कि माया देवी ने बुद्ध को जन्म देने के बाद इसी में स्नान किया था। श्रद्धालु यहाँ भी आते हैं और ये है ट्री श्राइन। ये नेपाल और साउथ एशिया में पाए जाने वाले ऐसे हजारों ट्री श्राइन्स में से एक है और ये ट्री श्राइन बताता है कि ये नेचर और कल्चर के हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट ट्री श्राइन है। जब माया देवी प्रेग्नेंट थी और जब उन्होंने बच्चे को जन्म दिया तो उन्होंने अपने ऊपर मौजूद एक पेड़ को पकड़ लिया था। जब 5th और 6th सेंचुरी में चाइनीज पिलग्रिम्स यहाँ आए थे तो उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर और एक पेड़ होने की बात कही है और ये भी कि इसी जगह पर बुद्ध का जन्म हुआ था। जन्म के बाद भी पीपल के पेड़ बुद्ध के जीवन में एक सेंट्रल रोल निभाते रहे। शाही परिवार से ताल्लुक रखने की वजह से वो दुख, दर्द या मृत्यु को जानते ही नहीं थे। लेकिन जब वो 29 साल के थे, उनकी शादी हो चुकी थी और उनका एक बेटा भी था, तब सिद्धार्थ ने महल छोड़ दिया और पहली बार लोगों को कष्ट में देखा। इस बात ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। उनके लिए हर चीज के मायने बदल गए। तो एक रात वो अपना घर छोड़कर दुनिया के नए मायने ढूंढने निकल पड़े। कई साल तक उन्होंने एक साधु का जीवन जीने की कोशिश की। जब भूख की वजह से वो मृत्यु के करीब पहुंच गए तो उन्हें समझ आया कि ना तो उनका ये जीवन और ना ही उनका पुराना जीवन उन्हें बोध या शांति तक पहुंचा पाएगा। एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाते हुए सिद्धार्थ ने मिडिल वे यानी मध्य मार्ग को खोजा और बस उन्हें बोध की प्राप्ति हो गई और वो बन गए बुद्ध। रॉबिन की टीम इस डिग साइट की बेहतर तस्वीर हासिल करने के लिए नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है। हमारा पर्पस है इसे यूज करके गार्डन के अलग अलग इलाकों को फोटोग्राफ करना ताकि वर्चुअल मैप बनाया जा सके उन फोटोज से। मैं इसे एक मॉन्यूमेंट के ऊपर ले जाऊंगा। मार्क एक बड़े साइज की बलून काइट के साथ एक कैमरा लगाकर इस जगह का एरियल मैप बना रहे हैं। सारी तस्वीरें लेने के बाद मार्क उन्हें एक साथ जोड़कर उनसे एक फोटो मोज़ेक बनाएंगे। फिर वो जमीन के किसी भी हिस्से पर जूम कर सकते हैं। ये इस बात को जानने का इम्पोर्टेंट टूल होगा कि बुद्ध के दौर में ये स्ट्रक्चर्स कैसे दिखते होंगे। साथ ही बिना खुदाई किए ही वो जान पा रहे हैं कि जमीन के नीचे आखिर है क्या। मैं तलाश में हूँ कुछ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स की। स्कैन से उन्हें ऐसी तस्वीरें मिलती हैं जिनके जरिए ये खुदाई के लिए अच्छी लोकेशंस तय कर पाएंगे। मुझे लगता है कि हमें यहाँ 2nd सेंचुरी से जुड़ी चीज मिल सकती है। और खुदाई का काम लगातार चलता रहता है। ये जितनी गहराई तक जाते हैं बुद्ध की जिंदगी के दौर में उतने ही आगे पहुंचते जाते हैं। साथ ही ये उनके जीवन से जुड़े रहस्यों को सुलझाने के करीब पहुंच रहे हैं। सवाल ये है कि अगर ये ट्रेंच है तो इसका पता कैसे चला।
खुदाई में निकल रही सारी मिट्टी को छाना जाता है। इस मिट्टी से एक के बाद दूसरा सुराग मिलता जाता है। हर आर्टिफैक्ट को साफ करके उसे नापा और फोटोग्राफ किया जाता है। इन तमाम ऐतिहासिक सुराखों की कैटलॉगिंग की जिम्मेदारी जेनिफर ट्रेम्बले पर है। मुझ पर इस टीम में एक जिम्मेदारी है और वो है आर्टिफैक्ट प्रोसेसर की, और मेरा सारा वक्त यहाँ पब्लिक टॉयलेट्स में बीतता है और वही हमारा वर्क रूम है। हम इस साल अभी तक पॉटरी के 35,000 टुकड़ों को प्रोसेस कर चुके हैं। हमें अभी तक 2,000 स्पेशल टुकड़े मिल चुके हैं और इनमें से हर एक को अलग अलग कैटलॉग किया जाएगा। रॉबिन के लिए ये बड़े बड़े पीस एक बड़ी पहेली के हिस्से हैं, और ये एक बेहद पुराने अतीत के सुराख हैं। एक चीज ने खास तौर पर रॉबिन को बहुत एक्साइट कर दिया है। ओह लुक एट दैट, ये तो बहुत ही खूबसूरत पीस है। ये किसी बौद्ध मंक का बर्तन है जिसमें वो दान या खाने की चीजें रखा करता होगा। तीर्थयात्रियों और बाहर मौजूद लोगों को लेकर इनकी एक जिम्मेदारी होती है, तो वो मॉनेस्ट्री से बाहर निकल जाते हैं, ये बाहर जाकर प्रीच करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और दिए हुए दान को जमा करते हैं। ये खुद को मिलने वाले खाने और दान के बदले तीर्थयात्रियों और आम लोगों को अच्छी किस्मत और खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। इस आर्टिफैक्ट से पता चलता है कि अशोक काल से भी पहले यहाँ एक मोनेस्ट्री हुआ करती थी। आज भी बुद्धिस्ट मंक्स और बद्दा मनीका जैसी नंस के दिल में लुम्बिनी की साइट के लिए बहुत खास सम्मान है। लुम्बिनी आकर मेरा जीवन बदल गया। बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए ये चार सबसे पवित्र जगहों और चार पिलग्रिम साइट्स में से एक गिनी जाती है। यहीं पर उनका जन्म हुआ, यहीं उन्होंने अटेन किया सुप्रीम एनलाइटनमेंट, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और जहां वो शून्य में विलीन हो गए। बुद्ध समानता में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने पुरुषों और महिलाओं दोनों को अपनी फिलॉसफी सिखाई। भगवान बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के 2,500 साल बाद आज भी उनके उपदेश दुनिया में फैल रहे हैं। उनके उपदेश मन की शुद्धि के लिए हैं, दुनिया में शांति और सद्भावना लाने के लिए हैं, और आज भी उनके उपदेशों को दुनिया में अपनाया जा रहा है। कई देशों ने यहाँ मंदिर बनाए हैं और उन्हीं के सामने मोनेस्ट्रीज मौजूद हैं जहाँ मंक्स और नंस रहते हैं। पुराने वक्त की साइट पर भी ऐसा ही हुआ करता था। रॉबिन और उनकी टीम को ऐसे ही पोस्ट होल्स मिले हैं जैसे उस गांव में मिले थे। ये 2,000 साल से भी पुराने हैं, यानी सम्राट अशोक के दौर से पहले के। अब हम डिटेल्स लेंगे और मुझे लगता है चम्मच इसमें काफी काम आएगी। ये शायद किसी एक मंग की जगह रही होगी, लेकिन यहाँ नीचे पोस्ट होल स्ट्रक्चर के सबूत नजर आ रहे हैं। ये रही उसकी निशानी, लकड़ी के गल जाने के बाद भी ये गड्ढा बचा हुआ है और उसकी वजह से इस मिट्टी में ये खाली जगह बन गई है। मैं इसकी कुछ और डिटेल्स भी ले रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये गड्ढा बहुत ही अच्छी तरह से खोदा गया। हमारे पास सिर्फ 8 दिन है और इस ट्रेंच में हम उन लेवल्स तक पहुंच गए हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए थे, यानी प्री अशोकन लेवल्स। हमें इन पोस्ट होल्स की शक्ल में वो लेवल्स मिल गए हैं जिनकी तलाश में ये खुदाई हुई, और ये इस कल्ट डेवलपमेंट का अर्ली फेज है। यहाँ रहने वाले मंक्स और नंस ही शायद बुद्धिज्म के शुरुआती फॉलोअर्स में शामिल रहे होंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब भी बाकी है। आखिर क्या चीज उन्हें इस जगह पर लाई होगी? लुम्बिनी में ऐसा क्या था जिसकी पूजा करने वो यहाँ आए? ये फिलॉसफी सबसे बड़ी फिलॉसफी है, सबसे ऊंची है। ये बाद में हुआ ये कि ये फिलॉसफी एक रिचुअल बन गई। रिचुअल बुद्धिस्ट प्रैक्टिस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये नंस
पवित्र माया देवी टेंपल के चारों ओर परिक्रमा कर रही हैं। ये साइट के चारों तरफ मौजूद सख्त ब्रिक टाइल पर बहुत सी परिक्रमाएं करेंगी। इस प्रोसेस को सर्कम एम्बुलेशन कहा जाता है। ये बिना पैडिंग इस्तेमाल किए अपने शरीर को बार बार जमीन पर झुकाती हैं। अपनी नाक को जमीन से सटाना ये बताता है कि इन्होंने अपनी ईगो पर काबू पा लिया है। टेंपल के अंदर तिब्बती महिलाएं प्राचीन मंत्रों का उच्चारण करती रहती हैं। पिलग्रिम्स नीचे झुककर उस पवित्र शिला के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं जो बुद्ध के जन्म स्थल को दर्शाती है। कुछ लोग इस पवित्र साइट पर आकर इतने जज्बाती हो जाते हैं कि इसकी मिट्टी को ही खाने लगते हैं। और दुनिया की सबसे पवित्र जगहों में से एक कहलाने वाली इस जगह पर रॉबिन और उनकी टीम खुदाई कर रही है और इन लोगों ने एक कमाल की खोज की है। देखिए, मैं पहले से कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये किसी प्लेटफॉर्म जैसा लग रहा है। ऐसा कब वे इस इलाके के चारों तरफ देखने को मिल रहा है। अशोक के दौर से पहले बना ये कर्व वे एक बहुत ही अहम जगह हो सकता है। ओके, इट्स गुड। इन रिजेस की पीक तकरीबन 2 सेंटीमीटर है। हाँ। उंगलियों के निशान इन ईंटों पर ओके, और क्या है? एकदम अलग नजर आ रहे हैं। अच्छा, जरा इसे नापा। हाँ हाँ, ओके। रॉबिन स्ट्रक्चर्स का स्केच बना रहे हैं जिससे डिजाइन और साफ होता जा रहा है। इन ईंटों को किनारे पर लगाया गया है तो ये ऊपर उठी हैं और इनसे एक कर्व बन रहा है, यानी यहाँ पर लोगों के चलने के लिए एक पेवमेंट है और इसके अलावा एक कर्व भी। और ये कर्व इस इलाके की मिट्टी से बहुत ही अलग महसूस हो रही है। टीम रात में भी खुदाई करती रहती है। ध्यान से, इसी पर थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। ध्यान से। ओके, आ गया। गुड, बढ़िया, परफेक्ट। ओह, इस पर तो उंगलियों के निशान भी हैं। ओह, ये तो बहुत भारी है। संभाल के। उंगलियों के निशान। जब ये ईंटें बनाई गई होंगी तो इन पर किसी माहिर क्राफ्ट्समैन की उंगलियों के निशान बने होंगे। हाँ, ध्यान से पकड़े रहना। ओके। यानी कोई ऐसा इंसान जिसको ये महत्वपूर्ण जगह बनाने की जिम्मेदारी दी गई होगी। रॉबिन और उनकी टीम को कई सुराख मिलते हैं, लेकिन खुदाई के लिए उनके पास दिन कम। श्रद्धालु एक ऐसे धर्म को प्रैक्टिस करते हैं जिसकी जड़ें पुरानी भी हैं और रहस्यमय भी। पिलग्रिम्स आज भी एक धार्मिक यात्रा पर उसी तरह लुम्बिनी आते हैं जैसे 1000 साल पहले आया करते थे। लेकिन उनकी श्रद्धा के पीछे ऐसी क्या खास बात थी जिसके कारण एक ही लोकेशन पर एक के बाद दूसरा मंदिर बनता गया। खैर, ये पुराना रेलिक जो भी रहा हो, ये वही है जहां रॉबिन खुदाई कर रहे हैं और एक सुराख ठीक उनके सामने है। हम जिस इंक्लोजर में काम कर रहे हैं ये बहुत ही अलग तरह का है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है गुप्ता नेटिविटी इमेज के लिहाज से, क्योंकि नेटिविटी इमेज के ठीक ऊपर क्वीन माया देवी एक पेड़ को पकड़े हुए नजर आ रही हैं। जिस प्लेटफॉर्म पर श्रद्धालु मार्कर स्टोन देखने आते हैं उसके ऊपर एक कार्व्ड नेटिविटी है। पुराने किस्से कहानियों में बताया गया है कि बुद्ध की माँ रानी माया देवी ने बुद्ध को जन्म देते समय एक पेड़ को पकड़ रखा था। और जब चीन के तीर्थयात्री पहले मिलेनियम एडी के पहले
आधे हिस्से यानी करीब करीब 500 या 600 एडी में यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने रिकॉर्ड किया था कि मंदिर में एक पेड़ हुआ करता था और उस पेड़ को श्रद्धालुओं को दिखाया जाता था। क्या ये मुमकिन है कि जहाँ रॉबिन खुदाई कर रहे हैं वहाँ वही पेड़ मौजूद हो जिसे माया देवी ने बौद्ध धर्म के जनक को जन्म देते समय पकड़ रखा था? किसी क्रिश्चियन के लिए ये कुछ यूं होगा जैसे उसे जीसस का मेंजर मिल जाए, किसी मुस्लिम के लिए ये आमीना के घर जैसा होगा जहाँ मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ था, और रॉबिन के लिए ये उनके करियर का एक बहुत ही खास पल होगा। तो इसका इस श्राइन के साथ एक इम्पोर्टेंट रिलेशन हो सकता है। पूरे साउथ एशिया में पेड़ों की पूजा की जाती है और ये पूजा का बहुत ही बुनियादी और बेसिक तरीका है। इसके मुताबिक देवियां और देवता पेड़ों का भाग हो सकते हैं। हमें जंगल में या फिर गांव में हर जगह पेड़ों का सम्मान होता नजर आता है। तो ये है साइट ऑफ दारुमपानी, जिसका मतलब होता है बुद्धिस्ट लॉ का पानी, और इस साइट की पहचान बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक साइट के तौर पर की जाती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस सिंपल सी श्राइन की किस तरह से मौजूदगी है इस इलाके में। तो अगर आप लुम्बिनी के श्राइन के एकदम शुरुआती दौर की कल्पना करें तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत ही सिंपल रहा होगा। बस आप ये सोचिए कि कोनों पर लकड़ी के पोल्स हों और चारों तरफ भी लकड़ी ही हो जो इसे एक सेक्रेट जगह के तौर पर दिखाते हो। लकड़ी के खंबे जो ऐसे पोस्ट होल्स में लगे हों, लेकिन इन्हें यहाँ एक पेड़ की मौजूदगी से जुड़े ज्यादा दमदार सबूत चाहिए। इनके पास वक्त कम है और किस्मत भी अब जवाब देने लगी है। अब यहाँ बिजली बस जाने ही वाली है, शायद अगले 8 घंटे तक बिजली नहीं आएगी। हम जमीन के नीचे पानी तक भी पहुंचते जा रहे हैं। हमें ट्रेंचेस से पानी बाहर निकालने के लिए डीजल चाहिए और डीजल की भी कमी है। मंदिर में रुके रहने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं और हम कुछ बेहद दिलचस्प लेयर्स तक पहुंच गए हैं। अब बिजली और डीजल की एक्सेस को लेकर बहुत चिंता होती जा रही है। आई होप हम लोग अगले 2 दिनों के अंदर अपने इस काम को सक्सेसफुली पूरा कर लें। अगर ये कोई ट्री श्राइन हो तो ऐसी जगह में ट्री को सेहतमंद रखने के लिए उसे खाद देने की जरूरत भी पड़ेगी। अगर रॉबिन को पेड़ की जड़ों और फर्टिलाइजर जैसे सबूत मिल जाते हैं तो फिर इस जगह को बुद्ध के जन्म की घटना से जोड़ा जा सकता है। ये काफी हद तक वही जगह है जहां से लुम्बिनी की कहानी शुरू होती है। वक्त बीतता जा रहा है और रॉबिन बौद्ध धर्म के इतिहास से जुड़ी सबसे कमाल की खोजों में से एक को अंजाम देने के करीब है। इस हिस्से में यहाँ पर मिट्टी के अंदर कुछ बहुत ही अजीब से निशान है और ये निशान पुराने पेड़ों की जड़ों के हो सकते हैं। मिट्टी के नमूने बहुत ध्यान से निकाले जाते हैं ताकि उनमें पेड़ों की जड़ों और फर्टिलाइजर की निशानियां देखी जा सके। कई हफ्ते तक बहुत ध्यान से खुदाई करने के बाद रॉबिन और उनकी टीम उन जवाबों के बेहद करीब पहुंच गई है जिन्हें हासिल करने वो यहां आए थे। आंकड़ों के नतीजे हैरत अंगेज हैं जिनसे इतिहास शायद दोबारा लिखा जा सकता है। उनसे पता चलता है कि लुम्बिनी की ये सीक्रेट साइट सम्राट अशोक के यहाँ पहुँचने से कई सदी पहले ही डिवेलप हो चुकी थी। रॉबिन को लगता है कि बुद्ध अपने सम्मान में बनाए गए इन मंदिरों के बनने से पहले ही यहाँ रहते होंगे। नए आंकड़ों से पता चलता है कि बुद्ध का जन्म ज्यादातर इतिहासकारों के अनुमान वाली तारीख से करीब 200 साल पहले ही हो चुका था, यानी 7वीं सदी BC के पहले आधे हिस्से में। ये एक ऐतिहासिक खुलासा है और लुम्बिनी के बौद्ध मंदिर के बीच मिलता है अब तक के सबसे पुराने ट्री श्राइन्स में से एक। शुरू में इसके चारों तरफ सिर्फ लकड़ी की रेलिंग थी, फिर ईंटों का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, फिर सम्राट अशोक और उनके पूरे साम्राज्य और दूर दूर से आए अनुयायी तीर्थ यात्रा पर इस श्राइन में आने लगे जो एक प्राचीन और पवित्र पेड़ वाली जगह पर बना हुआ था। साइंस पूरे यकीन